नमस्कार, सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हुडियागढ़ और आप देख रहे हैं जिले का नंबर वन चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आप तमाम शहरवासियों को ईद मुबारक, और आइए बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की तरफ। हेडलाइन के प्रायोजक है जीनियस क्लासेस। देश में आज ईद उल फितर का त्यौहार मनाया गया। लॉकडाउन की वजह से धार्मिक स्थल बंद रहे, लोगों ने अपने घरों में ही अदा की ईद। श्रमिक स्पेशल ट्रेन से आ रहे दो प्रवासी घर पहुंचने से पहले ही दम तोड़ा, महिला की रास्ते में अचानक बिजली की हालत। और उमस भरी गर्मी ने दिन भर लोगों के पसीने छुड़ाए, गर्मी के कारण घरों में डूबके रहे लोग, सड़कों को कचरा रास्ता नाला। तो ये थे आज के मुख्य समाचार, अब खबरें विस्तार से। लॉकडाउन में ही मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सादगी से मनाई ईद, घरों से ही ईद के नमाज को अदा कर एक दूसरे को बधाई दी। वैश्विक महामारी कोरोना से निपटने के लिए लॉकडाउन के बीच ईद उल फितर का त्यौहार सोमवार को कुछ अलग अंदाज में मनाया गया। प्रशासन की ओर से मिले निर्देश के तहत मुस्लिम समाज के लोगों ने ईद की नमाज अपने अपने घरों में ही पढ़ी। ऐसे ही देश में फैले इस संक्रमण से निजात दिलाने एवं मुल्क में अमन चैन कायम रखने की दुआएं भी अल्लाह ताला से मांगी गई। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल भी रखा गया। खुशियां मनाने का तौर तरीका बदला बदला सा था। हर साल जिस तरह ईद की रौनक घरों से लेकर सड़कों तक रहती थी, वहीं इस बार नहीं दिखा। लॉकडाउन में कोरोना महामारी में आज के पर्व बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से मनाए हैं। लोग सोशल डिस्टेंस में नमाज अदा किए हैं और हम यहाँ पे अपने सहयोगी के यहाँ आए और सेवई का लच्छा खाए हैं, और बहुत ही अच्छा लगा कि हर बात को ध्यान रखते हुए यहाँ ईद का पर्व मनाया गया। लॉकडाउन के कारण ईद में छोटे बच्चों की खुशियाँ घर तक ही सिमट कर रह गई। बच्चों के चेहरे पर मायूसी दिख रही थी, देखिए ये रिपोर्ट। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए देश भर में लगी लॉकडाउन में लोगों के जुटे पर पाबंदियां हैं। प्रार्थना स्थल एवं धार्मिक आयोजन भी बंद है। इस वर्ष पूरा रमजान का महीना लॉकडाउन में ही गुजरा है। ऐसा पहली बार हुआ है जब मुस्लिम समाज के लोग अपने सबसे बड़े त्यौहार ईद उल फितर की नमाज मस्जिद या ईदगाह पर नहीं बल्कि घर में ही अदा किए हैं। मुजफ्फरपुर में भी सोमवार को बेहद सादगीपूर्ण तरीके से ईद का त्यौहार मनाया गया। इस बार लोग सादगीपूर्ण तरीके से लॉकडाउन का पालन करते हुए अपने घरों में ही ईद की नमाज पढ़े। हर वर्ष इस ईद के त्यौहार पर छोटे छोटे बच्चे में काफी उत्साह रहता था, लेकिन इस बार छोटे छोटे बच्चे घरों से बाहर झांकते नजर आए। अब इन्हें कौन बताए कि बाहर कोरोना है। इस बार ना गले मिले ना ही हाथ मिलाया, बस दूर से ही सलाम किया। वहां क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे बाहर से आए दिहाड़ी मजदूरों ने भी ईद की नमाज पढ़ी। घर के इतने पास होने के बावजूद घर पर ईद ना मना सकने की कसक इनके चेहरे पर साफ दिखी। इस बार की ईद तो कोविड 19 के साए में हुई है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हम लोगों ने घर में ही ईद उल फितर की नमाज की अदायगी की है, और सारे लोगों से ये अपील करते हैं कि कोविड 19 को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ घर में ही रहें और ईद मनाएं और गले ना मिले, दूर से ही लोगों से जो है सो ईद का अभिवादन दें और करें। श्रमिक ट्रेन से अपने घर पहुंचने से पहले ही दो लोगों ने रास्ते में दम तोड़ा, महिला और बच्चे के शव को जीआरपी ने पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया। मुजफ्फरपुर जंक्शन पर बाहर फंसे लोग पहुंचे, जिसमें दो की मौत हो गई। दरअसल मुजफ्फरपुर जंक्शन पर आज कई जगहों से ट्रेन पहुंची, जिसमें प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि प्लेटफॉर्म संख्या 3 पर एक महिला की मौत हो गई। मृत बच्चा दिल्ली से मुजफ्फरपुर आ रहा था, जब महिला अहमदाबाद से कटिहार जा रही थी। हालांकि महिला की मौत ट्रेन में ही हो चुकी थी। मृत महिला के शव को स्टेशन पर उतारा गया है। मौत के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है। जीआरपी पुलिस ने बताया कि महिला की मौत रास्ते में ही हो गई थी और बच्चे की मौत स्टेशन पर हुई है। प्रारंभिक सूचना ट्रेन से श्रमिक लोग आ रहा है, उसी में से डेड बॉडी उतारा है। महिला का एक गुजरात से आ रहा था, जो ट्रेन मधुबनी जाती है, तो रास्ते में वो एक्सपायर कर गई तो यहाँ उतार लिया है। हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, इसको भेजवाएंगे घर। और बच्चा तो दूसरे ट्रेन से आई थी, नहीं तो ट्रेन से आ रही थी उसकी, पहले से बीमार था बच्चा वो। वहीं मृत महिला के परिजनों ने बताया कि महिला को पहले से कोई बीमारी नहीं थी और अचानक रास्ते में मौत हो गई। आ रहे थे आप? गुजरात से आ रहे थे। कहाँ से? गुजरात से। कौन कौन थे आप लोग साथ में? मेरा साली है और मेरा घर वाली साथ में। बच्चा?
बच्चा दो को, इसका मेरा साली का लड़का था और एक मेरा लड़का है। जो मरी है वो आपकी कौन है? साली है। कैसे मरी? ये ऐसे ही मरा है अचानक। कुछ बीमारी पहले से? बीमारी उमारी कुछ नहीं था। मतलब खाना वाना मिला था? पूरा खाना वाना सही मिला था, पानी का बोतल हर चीज मिला था। कल देर रात चोरों ने बैठिया ओपी के सामने सुधा मिल्क पार्लर के ताला काट कर डी फ्रिज समेत कई सामानों की चोरी की। लॉकडाउन में मुजफ्फरपुर में चोरों का आतंक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मामला है अहियापुर थाना क्षेत्र के बैरिया बस स्टैंड स्थित बैरिया ओपी के ठीक सामने का, जहां दो जनरल स्टोर की दुकान से अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। सबसे आश्चर्य की बात है कि चोरों ने इस दुकान में रखे बड़े बड़े फ्रीजर जिसमें कोल्ड ड्रिंक दूध रखा हुआ था, चोरों ने फ्रीजर तक को सामान के साथ उठा ले गए। चोरों की घटना से निराश दुकानदार ने बताया कि इस घटना से लाखों की रुपए का नुकसान हुआ है। साथ ही बताया कि चोरों ने यह घटना ऐसे जगह की है जहां पर पुलिस चौकी है और इस पुलिस चौकी में 2400 घंटे पुलिस की तैनाती रहती है। फिलहाल पुलिस छानबीन में जुट गई है। ऊपर से तो यहाँ अधिकारी मेरा चीज नहीं है, दो दुकान से चीज गायब हो चुका है। सामने में ओपी है, उसके कोई देखभाल नहीं हो रहा। क्या बोल रहे हैं पुलिस वाले? ओपी वाले बोल रहे हैं कुछ नहीं है, यहाँ हम लोग घूमते इधर उधर रहते हैं, कोई क्या करेंगे, यहाँ इधर उधर रहते हैं, मेरा यही काम है, यही रहेंगे, यही देखते रहेंगे। प्रवासी मजदूर कहे जाने पर विपक्ष के नेता ने सीधे सरकार पर हमला किया और कहा कि वे प्रवासी नहीं बिहारी हैं। लॉकडाउन में बाहर फंसे लोग अपने अपने घरों में लौट रहे हैं, जिन्हें प्रवासी मजदूर कहा जा रहा है। प्रवासी मजदूर कहे जाने पर विपक्ष ने सरकार पर हमला बोल दिया है। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष ने कहा कि प्रवासी मजदूर क्यों कहा जा रहा है, वे लोग अपने घर ही तो लौट रहे हैं, वे लोग बिहारी हैं। सरकार द्वारा उन्हें प्रवासी कहकर हम लोगों से अलग किया जा रहा है। सरकार कह रही है तो सारे पार्टी भी कह रहे हैं प्रवासी मजदूर, इसलिए सरकार ही शुरुआत कर दी प्रवासी मजदूर से संबोधित करना, तो ऑल पार्टी जितने भी लोग हैं सब बोलना शुरू कर दी। ये सरकार की गलती है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे बिहार सरकार हो, कि अपने परिवार के सदस्य जो हम पांच हैं उसमें से तीन अगर गए हैं रोजी रोटी कमाने, उसको प्रवासी कहना ये न्याय संगत नहीं है और यह गलत बात है। वो हमारे परिवार के सदस्य हैं और बिहारी मजदूर हैं, बिहारी श्रमिक हैं, पूर्वांचली उत्तर भारतीय श्रमिक हम कह सकते हैं। हमारे जो पूर्वांचली के चाहे उत्तर प्रदेश बिहार के लोग हैं वो हमारे बिहारी मजदूर हैं, पूर्वांचली मजदूर हैं। तो सरकार के द्वारा इस शुरू से ही गलती काम किया जा रहा है कि उसको हमसे दूर किया जा रहा है प्रवासी मजदूर करके, ये न्याय संगत नहीं है, ये गलत है। वहीं राजद के दिग्गज नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह ने कहा कि अपनी गलती छिपाने के लिए सरकार अपने ही लोगों को NRI कह रही है। 12 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए, 13 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए, असली हिफाजत है उनको करना देखना। जो प्रवासी मजदूर जिनको कहते हैं हाय हमारा देशवासी, और उसको हम कह रहे हैं प्रवासी, और उसके लिए साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है वह असह्य स्थिति है। रोना धोना मन करता उसको देख करके कि रे भाई, कोई साइकिल से चल रहा है परिवार के ला रहा, कोई पैदल चल रहा है, कोई रास्ता में पिचा गया, कोई ट्रेन कतर दिया किसी को, हाई बाप दिया, भूखे प्यासे चल रहा है हजारों हजार किलोमीटर, कोई देखने वाला नहीं है, सारा इनका झूठा है, सारा बयान इनका फीका है, ये छल है जनता के साथ। किसी ने ख्याल किया जो इतने लोग मजदूर हमारे सब जगह काम कर रहे हैं, सब जगह काम ठप हो गया, भूखमरी से बचने के लिए कहा जो चलो कोरोना तोरोना क्या चीज है उसी से मरेंगे, लेकिन घरे मरेंगे, जैसे तैसे लोग घरे चल रहे हैं उसका कोई है वर्णन? देखे पाती के पाती, सैकड़ों झुंड के झुंड, कोई रेल लाइन धर के, कोई सड़क धर के, कहीं पुलिस से तबाही, कहीं घेर छेक, भूखे प्यासे बाल बच्चा परिवार जन सबको ले जाकर के एक से एक दुर्घटनाएं हो रही है, सब जगह मर रहे हैं लोग, कितने मजदूर मरे हमारे रास्ते में, और अभी भी कोई उपाय नहीं है, इतरा नहीं है, ये ट्रेन चला दूंगा इतना दिन से, जब बीमारी पट गई तब लाने का इंजाम हुआ, शुरू में ना ले आते बाहर से लोगों को, बीमारी जब पटा दिया है सब जगह तब अब आ रहा। छोटका मोदी भी बाहर नहीं निकल रहे हैं क्या पूरी तरह से कोरोना? छोटका मोदी रोज दिन अपना खाली बयान करेंगे, इनका कुछ है नहीं,
इनको कोई देश दुनिया प्रदेश और जनता से कोई मतलब है या इनका सरकार में कुछ चलता है, राज्य सरकार हो चाहे भारत सरकार हो, ये अपना बयानबाजी में लगे हुए हैं। वहीं राजद किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष सुबोध कुमार यादव का कहना है कि सरकार द्वारा किसानों को सुविधा नहीं दिए जाने के कारण किसान आज मजबूरी में मजदूर बन गए हैं, जिन्हें सरकार आज NRI बताकर पेश कर रही है। हम लोगों ने भी इस बात को महसूस किया है और बिहार सरकार के द्वारा जो उन्हें प्रवासी मजदूर कहा जा रहा है, तो मैं पहले बता देना चाहता हूँ कि प्रवासी की क्या परिभाषा है। पर माने दूसरा और वासी का अर्थ होता है रहने वाले, जो दूसरे देश में रहते हैं, जो हम लोग के NRI लोग हैं उनको हम प्रवासी कहते हैं। लेकिन पता नहीं सरकार क्या सोच रही है, मैं आए दिन पेपर में भी पढ़ रहा हूँ, पदाधिकारी भी प्रवासी बोल रहे हैं, तो हम लोग इस बात का खंडन कर रहे हैं कि कहीं भी जो हमारे दूसरे राज्य से एक राज्य से दूसरे राज्य में हमारे जो कामगार भाई हैं, मजदूर भाई हैं, जो काम करने गए, वो एक राज्य से दूसरे राज्य में आ रहे हैं, तो एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना कहीं भी यह प्रवासी उन्हें नहीं कह सकता, वो अपने देश में ही एक जगह से अन्यत्र जगह आना जाना उनका हो रहा है। लेकिन किस सोच के तहत ये लोग प्रवासी कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इन लोगों को जो है शब्दकोश का जो ज्ञान होना चाहिए, वो शब्दकोश के ज्ञान में कमी है। और जब हमारे मुख्यमंत्री भी बोल रहे हैं, जो NDA के साथियों और मुख्यमंत्री भी बोल रहे हैं, तो उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि ज्ञान हासिल करके, ठीक है सत्ता है सरकार है, लेकिन कम से कम लोगों के बीच जब बोले तो सही बात जानी चाहिए। वहीं पूरे मामले को लेकर भाजपा जिलाध्यक्ष रंजन कुमार ने सरकार का पक्ष लेते हुए कहा कि हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं है, विपक्ष बेवजह इस बात को तुल दे रही है। नहीं, ये गलत इंटरप्रेट करके बोला जा रहा है, ये हमारे बाहर से भी मजदूर आ रहे हैं। ये कोरोना में जैसे हम लोगों ने डिफाइन किया है कि जो यहाँ रह रहे हैं वो स्थानीय हैं, और जो बाहर से आ रहे हैं उनको डिग्निफाई करने के लिए, पहचानने के लिए उनको ये सब दिया गया है कि ये प्रवास हमारे यहाँ के बाहर काम करते थे उन मजदूरों को हम लोग प्रवासी मजदूर कह रहे हैं जो अपने घर लौट रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग इनको NRI वाली भाषा में इनको नहीं करें, डिग्निफाई करने के लिए कहा जा रहा है ताकि इसको समझा जा सके कि कौन स्थानीय है कौन बाहर का है, ताकि इनका जो कोरोना में क्वारंटाइन करना है या जो इसके लिए इलाज करना है वो सही ढंग से और समुचित ढंग से हो सके। सरकार द्वारा दिए गए ऑड इवन निर्देश के बाद शहर के ऑटो चालकों ने इसकी धज्जियां उड़ाते हुए परिचालन कर रहे हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने राज्य के सभी जिलों में कोरोना की स्थिति को देखते हुए छूट देने की बात कही थी, जिसके बाद जिले में जिलाधिकारी ने ऑड और इवन के तहत ऑटो चलाने की अनुमति दी थी। लेकिन ऑटो चालक द्वारा जिला प्रशासन के नियमों को ताक पर रखकर धड़ल्ले से शहरी क्षेत्रों में ऑटो का परिचालन हो रहा है। यही नहीं, ऑटो चालक सोशल डिस्टेंसिंग का भी अवहेलना करते हुए एक एक ऑटो में दर्जनों यात्रियों को बैठाकर नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। लेकिन इन सबके बावजूद इस पर ना ही जिला प्रशासन का ध्यान है और ना ही परिवहन विभाग का। नहीं है, 5 दिन से ट्रेन पे ही है, 110 घंटे बनाया गया है, महंगा वाला कैमरा लगा ही है। वक्त है छोटी सी ब्रेक का, लेते एक छोटा सा ब्रेक, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। कैरियर अचीवर्स आपके विश्वास पर खड़ा उतरने वाला कोचिंग संस्थान है। यहाँ हमारे यहाँ मेडिकल, IIT, JEE तथा फाउंडेशन की तैयारी भी कराई जाती है। इसके अलावे एक्सक्लूसिव बैच JEE मेंस एडवांस की भी क्लासेस चलाई जाते हैं। छात्र छात्राओं को 100% स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था है। यहाँ से कितने छात्र छात्राएं सफलता की सीढ़ी चढ़ चुके हैं। क्लासेस टेकन बाय टॉप मेंटोर्स, तो हमारे यहाँ अवश्य पधारे। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है कैरियर अचीवर्स मिठनपुरा नियर नॉर्थ पॉइंट स्कूल, और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8002479735। या फिर आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 8877430251 पर। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे इस मिशन में हमारे बच्चे गंगा पार करके उस पार नहीं जा पाए। यही नहीं, मिशन तो तब सक्सेसफुल होगा जब गंगा पार के बच्चे यहाँ एडमिशन लेने के लिए मार करेंगे। इसी आशा के साथ इंस्टीट्यूट तो हम लोग चला रहे हैं, अपने बच्चों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों को मैंने यही कहा है, तुम अपना समय दो, मैं तुम्हें आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दूंगा।
मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहां से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहां से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहां शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूरा सेट, कंप्यूटर चूरा, कुंदन चूरा, वाटर प्रूफ चूरा, चुंदरी तीन बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू पात चूरा, जंगली चूरा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे, बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का च्वाइस देखते हैं हम लोग, उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। IITZ, NET, AIIMS, NTSE, जहाँ किस्मत आजमाते हैं लाखों बच्चे लेकर करोड़ों सपने, लेकिन उसमें से ज्यादातर योग्य मार्गदर्शन के अभाव में होते हैं नाकामयाब। अब आपको कामयाबी की राह दिखाएगा उत्तर बिहार का अग्रणी कोचिंग संस्थान, जी हाँ, यानी कि जीनियस क्लासेस। देश के कोने कोने से चुनकर आपके शहर मुजफ्फरपुर में जीनियस क्लासेस लेकर आया है अनुभवी शिक्षकों की एक ऐसी टीम जिसने सवारा है हजारों लोगों का कैरियर। जीनियस क्लासेस लेकर आया है 7th, 8th, 9th और 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए टैलेंट सर्च एग्जाम अवार्ड कम स्कॉलरशिप प्रोग्राम, और हमारे यंग टैलेंट प्रमोशनल प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं, तो आपके लिए है ढेर सारे प्राइजेस। रजिस्टर कीजिए जीनियस टैलेंट सर्च एग्जाम अवार्ड कम स्कॉलरशिप के लिए, जिसके एग्जामिनेशन सेंटर्स होंगे मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और समस्तीपुर में, जिसके अंतर्गत अगर आप फर्स्ट आते हैं तो आपके लिए है फर्स्ट प्राइज में लैपटॉप, सेकेंड आते हैं तो सेकेंड प्राइज में है टैबलेट, थर्ड प्राइज है बाइसिकल और फोर्थ प्राइज है बुक्स। तो जल्दी कीजिए और जीनियस टैलेंट सर्च एग्जाम अवार्ड कम स्कॉलरशिप प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। आज ही GTSE एप्लीकेशन फॉर्म कलेक्ट कीजिए जीनियस क्लासेस फ्रंट डेस्क से, या फिर अप्लाई कीजिए ऑनलाइन www.geniusclass.in पे। तो आज ही विजिट कीजिए जीनियस क्लासेस बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर, पंकज मार्केट, सरैया गंज, मुजफ्फरपुर, या फिर आप हमारे दूसरे ब्रांच में विजिट कर सकते हैं मिठनपुरा चौक, मुजफ्फरपुर, या फिर विजिट कर सकते हैं www.geniusclass.in पे, या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है info@geniusclass.in। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विथ को एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। ज्वाइन किया क्राइस्ट ज्योति स्कूल को, और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के पेरेंट्स,
सारे लोग पूरी तरह से बच्चों की पढ़ाई के प्रति जो केयरलेस थे, मैंने उन्हें जागरूक करने की कोशिश किया और उस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं हर संभव प्रयास करती हूँ। जहाँ तक हो पाएगा मैं इसे आगे बढ़ाऊंगी, इसे आगे बढ़ाना ही मेरा कर्तव्य है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। जिले में गर्मी का सितम जारी, अत्यधिक उमस ने लोगों के पसीने छुड़ाए, सड़कों पर पसरा रहा सन्नाटा। सोमवार को गर्मी के तेवर तीखे रहे, उमस होने के कारण सुबह से ही लोग गर्मी और पसीने से तरबतर हो रहे थे। गर्मी इतनी अधिक थी कि दिन भर लोगों को बेचैन कर रहा था। आज का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 23.8 डिग्री सेल्सियस थी और धूप इतनी अधिक थी कि घरों में दिन भर लोग दुबके रहे। शहर के सभी प्रमुख सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। गर्मी से बचने के लिए लोग छांव का सहारा ले रहे थे, जबकि इस गर्मी से बच्चों को उनकी माँ बचाती दिखी। लोगों ने कहा कि इतनी गर्मी है कि बर्दाश्त से बाहर हो रहा है, कर रहे कि इतना गर्मी लग रहा है और हम लोग का 36 घंटे का रास्ता है, ट्रेन से आना था, सूरत से आना, और 72 घंटा लग गया, अब तब यहाँ पे आकर के इतना दूर से यहाँ पे आ रहा है और कहीं पे न खाना न पानी, और ऊपर से जो गर्मी लग रहा है उसकी बात अलग है। प्रकृति का देन है गर्मी के लिए, तो हम सरकार को कोई जिम्मेदारी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। गर्मी बहुत ज्यादा है, बच्चा गोद में है, पानी भी खोज रहा है, नहीं मिल रहा है, बहुत गर्मी पंखा हाँक रहा है जी। आरजेडी किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष ने सरकार को सलाह दी कि जो लोग आ रहे हैं उन्हें रोजगार की व्यवस्था सरकार करे। सोमवार को राजद किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष सुबोध कुमार यादव ने अपने आवास पर दिहाड़ी मजदूरों को रोजगार एवं उनके आगमन को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया। उन्होंने बताया कि बिहार सरकार बीमारी और बेरोजगारी दोनों मोर्चे पर फेल है। सिटी न्यूज संवाददाता संदीप कुमार ने उनसे इस विषय पर खास बातचीत की, तो आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने इस विषय पर क्या कहा। मात्रा में दिहाड़ी मजदूर अब यहाँ आ चुके हैं, उनके लिए रोजगार सृजन सरकार के लिए एक बड़ी समस्या बनेगी। बिल्कुल, मैं लगभग दो दिनों में 50 से 60 सेंटरों पर मैं घुमा हूँ। सभी जगह मास्क और साबुन भी वितरित करने का काम हमने किया है और सभी मजदूरों से मैंने पूछा कि क्या आप लोग बिहार से बाहर जाना चाहेंगे। सभी लोगों ने कहा कि भैया हम कभी भी नहीं चाहते कि बिहार से बाहर जाए, यहाँ नमक रोटी खाना पसंद करेंगे लेकिन हम बिहार से बाहर नहीं जाएंगे, लेकिन हम पेट भरने के लिए मजबूरी में बिहार से बाहर जाकर काम की तलाश में वहाँ भटकते रहते हैं। हम लोगों ने जो सर्वे हमने किया उसमें लगभग 95% से ज़्यादा जो है 18-19 से लेकर 40-35 वर्ष के लड़के उसमें हैं, 20-22-25-30 इस ढंग के लड़के हैं। 5% में ही लोग हैं जो कि 50-45 उनका उम्र होगा। तो यदि इन लोगों को बिहार सरकार काम की व्यवस्था नहीं करती है, मैं आए दिन देख रहा हूँ पेपर में हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अफसरों को राय दे रहे हैं कि जितने भी मजदूर आ रहे हैं, जितने भी कामगार आ रहे हैं, उन लोगों को काम की और रोजगार की व्यवस्था करें। मैं नीतीश बाबू से पूछना चाहता हूँ कि आप जो है पता नहीं किस चश्मे से आप देख रहे हैं, आपके चश्मे का शीशा कितना नंबर है हम लोग को पता नहीं चल रहा है। किसी पदाधिकारी को कहीं भी किसी को काम देने का क्या रोजगार आपने पैदा किया जो किसी को काम दे देगा? एक डीएम अपने बेटे को नौकरी नहीं दे सकते, काम नहीं दे सकते, और बिहार में आपने एक सुई का कारखाना नहीं खोला, एक उद्योग धंधा आपने लागू नहीं किया। वही मनरेगा जो यूपीए 1 की सरकार में हमारे ग्रामीण विकास मंत्री हमारे पार्टी के रघुवंश बाबू थे और माननीय उस समय जो है रेल मंत्री लालू यादव जी थे, इन लोगों के कॉन्सेप्ट से जो है मनरेगा को चालू किया गया। आज सरकार पुनः उसी मनरेगा में लोगों को काम देने की बात कर रही है, तो मुझे लगता है कि मनरेगा ही एक सहारा बना हुआ है जो यूपीए 1 में लागू किया गया था। उसी मनरेगा के तहत मजदूरों को मैं सभी जगह घुमा हूँ, कई मुखिया से हमारी बात हुई है, जो क्वारंटाइन सेंटर में लोग हैं उन लोगों के बारे में भी कहा जा रहा है कि लोग जितने दिन यहाँ रहेंगे उन लोगों को मनरेगा के तहत जो है पैसे का भुगतान किया जाएगा। तो रोजगार का जो सृजन होना चाहिए बिहार सरकार का वह बिल्कुल शून्य है, कहीं कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि बहुत सारे कामगार साथी जो है अभी भी बाहर फंसे हुए हैं, जब सभी लोग आ जाएंगे तो और क्या भयावह स्थिति होगी यह हम लोग सोच के परेशान हो जा रहे हैं। इसके लिए उपाय है, हम लोग के नज़र में इसके लिए उपाय यही है कि सबसे पहले चूंकि जितने मजदूर बाहर काम करने के लिए जाते हैं, मेरा मानना है कि सब कहीं ना कहीं किसान परिवार से जुड़े हुए हैं। अब तो किसान प्रकोष्ठ से जुड़े हुए भी हैं, खेती छोड़ मजदूरी करना क्यों पसंद किए इन्होंने? इसलिए कि आज जो किसानों की स्थिति है, अभी आप देख रहे होंगे फरवरी में वर्षा हुई,
मार्च में वर्षा हुई, अप्रैल में वर्षा हुई। उदाहरण के तौर पर आपको बताना चाहता हूँ, अतिवृष्टि और ओलावृष्टि से फसल बर्बाद हो गया। कई किसानों का करकट, मैं मुजफ्फरपुर में भी, दरभंगा में भी कई जगह मैं घुमा हूँ, गायघाट औराई के ये कटरा ब्लॉक में भी मैं घुमा, मोतिहारी के विभिन्न जगहों पर भी जाने का काम किया। सभी बिहार के विभिन्न जिलों से हमको जानकारी भी मिली कि फसल, कोई ऐसा जिला नहीं है जहाँ ओलावृष्टि अतिवृष्टि से फसल बर्बाद नहीं हुआ है। और अभी जो फसल क्षति का मांग हम लोगों ने किया, हमारे विरोधी दल के नेता माननीय तेजस्वी जी ने भी किया, प्रदेश अध्यक्ष जगदा बाबू ने भी किया, हमने भी किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते कई जगह डीएम से बात किया, हमने सरकार को चिट्ठी भी लिखी कि सभी जो भी जिला इससे प्रभावित हुआ है, मुझे लगता है कि बिहार का हर जिला इससे प्रभावित है, सभी को फसल क्षति का लाभ दिया जाए। लेकिन सरकार कितनी बेईमानी की है, पहले तो इन्होंने आवेदन के लिए कह दिया, बाद में कहा आवेदन को इन्होंने रद्द कर दिया, फिर कहा कि आप दोबारा आवेदन करें, जिसके लिए 25 तारीख का तिथि इन्होंने निर्धारित किया, लेकिन इनका वेबसाइट नहीं खुल रहा है। और किसान की जो स्थिति है, जैसे मोतिहारी जिला की मैं बात करता हूँ, 27 प्रखंड है जिसमें मात्र जो है दो प्रखंड मधुवन और पताही को जो है इन्होंने फसल क्षति का लाभ देने का ऐलान किया है, उसमें भी आंशिक रूप से। मैं कहता हूँ कि 27 में क्या दो ही प्रखंड में वर्षा हुई, क्या दो ही प्रखंड में ओलावृष्टि हुई? कई ऐसे, जैसे शिवहर को बाद में हम लोग के कहने पर किया गया, कई ऐसे जिले अब भी हैं जहां किसानों को लाभ नहीं मिला है। तो किसान की स्थिति जर्जर हो गई, गेहूं बर्बाद हो गया, मक्के का फसल बर्बाद हो गया, आम लीची केले का बागवानी बर्बाद हो गया, तो किसान को क्या मिला? तो इस परिस्थिति में जो है, मैं ये सरकार से जानना चाहता हूँ कि किसान की स्थिति तो अच्छी है ही नहीं, आज मकई का रेट 1100 रुपये क्विंटल है, गेहूं जो उपजा है, कल हमारी पैक्स अध्यक्ष से, कई पैक्स अध्यक्ष से हमने बात किया कि आप गेहूं की खरीदारी क्यों नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सरकार ने मना किया, क्यों? कि गेहूं तीन बार चार बार भींग गया, हम लोग जब खरीदारी करके उसको गोदाम में रखेंगे तो गेहूं का दाना जो है वह काला पड़ जाएगा, जिसके कारण वो गेहूं की खरीदारी नहीं कर रहे हैं। तो किसान का आप हालत क्या कर दिए, आप फसल क्षति का पैसा भी नहीं दे रहे हैं, गेहूं का खरीदारी भी उसका नहीं कर रहे हैं, मक्के का रेट 1100 रुपये है, तो किसान को तो आप कुछ दे नहीं रहे। जब किसान की स्थिति सुधर जाएगी, जब इस देश में किसान का बेटा कहेगा कि मैं भी एक किसान का बेटा हूं और मैं भी बड़ा होकर किसानी बनना पसंद करूंगा, जब उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो जाएगी, तो मुझे लगता है कि पलायन स्वतः रुक जाएगा। चूंकि जितना पलायन करने वाले लोग हैं अधिकतर गांव समाज के लोग हैं, उनको खेती में यहाँ लाभ मिलने लगेगा, उनको लगेगा कि हमको आमदनी हो रही है, तो वो बाहर नहीं जाना पसंद करेंगे। वो 10,000 नौकरी के अलावा उनको 5,000 अपने घर पर कमाएंगे, उसी 5,000 में वो सुख चैन और अमन शांति से अपने परिवार के साथ रहना पसंद करेंगे। अगर बिहार में कल कारखाने लगते हैं तो वो तो कृषि योग्य भूमि पे ही लगेंगे। बिल्कुल, बिहार सरकार कहती है कि जो भी भूमि पे कृषि हो रही है वहाँ फैक्ट्री नहीं लगाएंगे, तो फिर किस प्रकार जो बाहर से आए उन्हें काम मिलेगा? उद्योग की जो बात है, तो उद्योग एक ऐसा चीज होता है जो मान लिए 2 बीघा 4 बीघा 5-10 बीघा में आप उसका उद्योग धंधा लगाएंगे, तो उद्योग जो लगेगा तो उसमें सैकड़ों हजारों लोगों को काम मिलेगा, उसका बाजार में एक जो है कि सर्कुलेशन होगा, तो उसमें हमारे बहुत सारे लोगों को काम मिल जाएगा। कृषि भूमि चूंकि बिहार में पर्याप्त मात्रा में है, यहाँ कृषि भूमि की कमी नहीं है हमारे पास जो है, तो उस परिस्थिति में उद्योग धंधा, जैसे मान लिए 5 बीघा जमीन हम उसमें लेते हैं, तो 5 बीघा जमीन में मुझे लगता है कि उसमें सैकड़ों लोगों को रोजगार मिलेगा, तो वह खेती से ज्यादा लोग उसमें रोजगार में चले जाएंगे, जो हमारे साथी जो बाहर जाते हैं वहां काम करने के लिए, सब लोगों को रोजगार मिल जाएगा। इस परिस्थिति में सरकार यदि यह कह रही है कि मुझे भूमि नहीं है, तो यह सरकार का एक बहाना है, चूंकि कृषि योग्य भूमि पे कल कारखाने नहीं लगेंगे। कृषि योग्य भूमि के भूमि पर भी आप लगा सकते हैं। अब चीनी मिल की जमीन देखिए, चीनी मिल का जमीन चकिया में देखिए, सैकड़ों बीघा जमीन हेक्टेयर पड़ा हुआ है, मोतीपुर में जमीन पड़ा हुआ है, कई जगह पड़ा हुआ है, वैसे जमीन को आप यूज कर सकते हो, सब जमीन बंजर पड़ा हुआ है, वैसा बहुत सारा ऐसा सरकार के पास भी जो है गुदान की जमीन है, बहुत मठ की जमीन बहुत जगह ऐसे पड़ी हुई है, मान लीजिए जो है सरकारी जमीन भी ऐसे ही पड़ा हुआ है, चोर चाचे पड़ा हुआ है। आप यदि इच्छा शक्ति आपके अंदर हो, आप यदि रास्ते पर चलना चाहेंगे, तो खुद रास्ते बनते चले जाते हैं। ये एक बहाना है कि कृषि जो भूमि पर हम उद्योग नहीं लगा सकते, उसके अलावा भी बहुत सारी जमीन आपके पास है, कौन चीज कौन जमीन आपके पास नहीं है, इसलिए सरकार का केवल एक बहाना है ये। जनसंघ के संस्थापक सदस्य प्रकाश नारायण साहू पंचतत्व में विलीन हुए, भाजपा जिलाध्यक्ष ने शोक जताया। जनसंघ के संस्थापक सदस्य प्रकाश नारायण साहू की हृदय गति रुक जाने से सोमवार को निधन हो गया। उनके देहांत पर भाजपा जिलाध्यक्ष रंजन कुमार ने बनारस बैग चौक स्थित उनके आवास पर पहुंचकर पार्टी का झंडा उड़ाकर श्रद्धांजलि दी और शोक व्यक्त किया। प्रकाश नारायण साहू महान समाजसेवी, जेपी आंदोलन के सिपाही,
राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ के सदस्य, गांधी पुस्तकालय के आजीवन सदस्य, व्याहुत सभा समेत अनेकों संस्था से आजीवन जुड़े रहे। भाजपा परिवार के लिए यह एक अपूर्णीय क्षति है। नारायण साहू जी जनसंघ काल से जिले में पार्टी के संस्थापक मंडल में से एक थे। पार्टी के लिए इनकी मृत्यु बड़ी ही दुखद और नुकसानदायक है। हम लोग हमेशा इनसे मार्गदर्शन प्राप्त करते रहते थे। पार्टी ने एक मार्गदर्शक मंडल के एक सदस्य को खो दिया है। पूरा का पूरा भाजपा परिवार इसको लेकर के काफ़ी ही दुखी है और हम इनके स्वस्थ संबद्ध परिवार को भी संतावना देते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नए खबरों के साथ। अब तक आप मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दी इजाज़त। नमस्कार।